तो पंजाब के खिलाफ कौन से होंगे वो चार बैंगलोरी सूबेदार, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, IPL 2022 या फिर हम कह सकते हैं कि T20 के सबसे बड़े महाकुंभ या महासंग्राम, सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत होने में अब केवल और केवल यहाँ पर दो दिन का समय जो है वो बीच में रह गया। और दोस्तों, हम लगातार हमारे ऑडियंस के लिए, हमारी जनता जनार्दन के लिए वीडियोस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और हमारी जनता जनार्दन भी हमारे ऊपर काफ़ी सारा प्यार बरसा रहे हैं। और दोस्तों, आने वाली वीडियोस के ऊपर भी ऐसा ही प्यार बरसाते रहिएगा और व्यूज़ की बारिश से हमें नहलाते रहिएगा। खैर दोस्तों, जोक्स अपार्ट, बट हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। तो आज की जो ये वीडियो है वो IPL 2022 के दूसरे मैच को लेकर आया, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के वो चार विदेशी सूबेदार कौन से होंगे जिनके साथ में ये टीम मयंक अग्रवाल के पंजाबियों से भिड़ने की ज़रूरत करेगी। आई मीन यार, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे, सारी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो बने रहे और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए। साथ में हमारा सेकंड चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आपको इंटरेस्टिंग अपडेट जो है वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बता दें कि चार विदेशी सूबेदारों की ज़रूरत क्यों होती है। तो यार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग है और इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि सबसे महंगी T20 लीग भी है। IPL में खेलने का सपना हर किसी खिलाड़ी का रहता है, फिर चाहे वो देशी हो या फिर विदेशी हो। यहाँ पर दोस्तों, इस खास लीग को और भी खास बनाते हैं यही सूबेदार, यानी कि यही विदेशी खिलाड़ी। हम बात कर रहे हैं विदेशी खिलाड़ियों की, और दोस्तों, एक टीम मैक्सिमम चार विदेशी खिलाड़ियों को ले सकती है और स्क्वाड में, और मैक्सिमम चार प्लेयर्स खिला सकती है अपनी प्लेइंग 11 में। तो इसीलिए RCB को चार सूबेदारों की बात करते हैं। भैया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि RCB के कुछ विदेशी प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे पहले मैच में, और जिनमें से दोस्तों सबसे पहला नाम और सबसे बड़ा नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल का, जो अपनी शादी की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरा नाम आता है जॉर्ज हेजलवुड का, और तीसरा नाम आता है मे बी जेसन बैरनडॉफ का। और दोस्तों, ये तीन प्लेयर्स मिस करेंगे पहले कुछ मैचेस, तो इसीलिए शुरुआती मैचेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से चार विदेशी खिलाड़ियों का चयन होता है। बेसिकली ऑप्शन तो पाँच ही हैं, पाँच में से चार खिलाड़ी आपको खिलाने तो उतना मुश्किल, और यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगी क्या करती है। तो भाई साहब, सबसे पहला विदेशी खिलाड़ी जो डेफिनेटली खेलेगा वो होगा फाफ डुप्लेसिस, इनके कप्तान। जी हाँ, विराट कोहली की कैप्टनसी छोड़ने के बाद फाफ डुप्लेसिस को RCB का नया कप्तान बनाया गया है। और दोस्तों, अब क्या फाफ डुप्लेसिस RCB की किस्मत को बदल पाएंगे या फिर नहीं, ये तो दोस्तों टाइम ही बताएगा, लेकिन इनका नाम तो पक्का है। इसके बाद दूसरा नाम कौन होगा जो कि खेलेगा, तो मुझे लगता है कि दूसरा नाम होगा फिन एलन का। न्यूजीलैंड के स्टाइलिश बल्लेबाज हैं और इनको पिछले बार RCB ने लिया था, लेकिन मैच में मौका शायद नहीं मिला। लेकिन आपको बता दूं कि फिन एलन एक शानदार बल्लेबाज है, T20 के सारे शॉट्स इनके पिटारे में मौजूद है और ऑल अराउंड 360 डिग्री शॉट्स ये मार सकते हैं। इसके बाद तीसरा नाम होगा मेरे विचार में शर्विन रदरफोर्ड का। प्रैक्टिस मैच में रदरफोर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने 50 लगाई थी प्रैक्टिस मैच में और काफ़ी ज़्यादा लंबे सिक्सर्स मारते हुए नज़र भी आए थे, और इनके ऊपर फिनिशिंग का रोल रहेगा। और चौथा नाम जो कि खेलेगा वो होगा मे बी वनिंदु रंगा। अब दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आठ में से तीन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, तो पांच ही ऑप्शन है, उनमें से चार मैच भी खेलेंगे और एक बाहर बैठेगा, और वो बाहर बैठेगा डेविड विली के रूप में। तो दोस्तों, ये चार विदेशी सूबेदार पंजाब के खिलाफ दहाड़ते हुए नजर आएंगे। अब आपके हिसाब से किन चार को RCB को मौका देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।